खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप जानिए 100 सेकंड में खेल जगत की बड़ी खबरें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल हुए 30वें लीग मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 49 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका के सेमीफाइनल्स में पहुंचने के दरवाजे बंद। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 308 रन बनाए, जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 9 विकेट पर 259 रन ही बना पाई। पाकिस्तान की जीत के हीरो रहे हैरिस सोहेल ने 9 चक्कों और 3 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए। पाकिस्तान के ओपनर इमामुल हक ने और फकर जमा ने अच्छी ओपनिंग दी, दोनों ने 44-44 रन बनाए, पहले विकेट के लिए जोड़े 81 रन। तीसरे नंबर पर खेलने आए बाबर आजम का बल्ला भी चला, बाबर ने 80 गेंद में 69 रन की पारी खेली। अफ्रीका की ओर से लुंगी नगीदी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, इमरान ताहिर ने भी छटके 2 विकेट। काम नहीं आई दक्षिण अफ्रीका कप्तान फाफ डु प्लेसी की पारी, फाफ डु प्लेसी ने अपनी टीम की ओर से सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दिखाया दम, वहाब रियाज शादाब खान ने 3-3 विकेट लिए, मोहम्मद आमिर ने भी झटके 2 विकेट। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका से 7 बार आईसीसी टूर्नामेंट में भिड़ा है, 6 बार पाकिस्तान जीता है, अफ्रीका केवल 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में 1 बार जीता है।